लखनऊ में हमारे पत्रकार रमाकांत यादव ने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ईवीएम पर अब भरोसा नहीं है, बैलेट से होगा चुनाव तभी पूरी सरकार अच्छे से बन पाएगी। आने वाले समय में युवाओं को भरोसा अगर कहीं है तो शायद बैलेट पर ही। युवा अपने भरोसे को अपनी ताकत मानते हैं, ऐसा ही कहना है कुछ युवाओं का, जिनके अनुसार ये बताया भी जाता है कि जब किसानों की सुनी नहीं जा रही तो शायद युवाओं की बात सुनने में भी सरकार पीछे हट रही है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर युवा अपने आप वोट देने के बाद अच्छे के लिए सरकार बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सुनी नहीं जा रही है। आने वाला समय युवाओं का होगा और आने वाले समय में युवा जिधर जाएगा शायद उसी की सरकार बन जाए। जब अब रेडी ये बताएं, अगर कानून व्यवस्था ऐसी रही उत्तर प्रदेश की तो आने वाली सरकार में क्या आप बीजेपी को ही वोट देंगे या फिर कोई तब इधर उधर होगा? जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, अगर यही चीज अभी ज्यादा दिन, अभी साल भर बचा हुआ है, ज्यादा छह समय तो बोरिया बिस्तर बांध के फिर मठ में वापस जाना पड़ेगा। और अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में बनने वाली है और उसका सारे युवा नौजवान उनका साथ देंगे और उत्तर प्रदेश को मजबूत देश और पूरे देश का सबसे मजबूत प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। और जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय हिंद। लेकिन एक दिन जब सरकार नहीं आते तो अपोजिशन यही उंगली उठाता है कि ईवीएम पे लफड़ा है, क्या आप ईवीएम से संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट हैं? देखिए, ईवीएम का जो खेल है ये हर बार होने लगा है, ठीक है। जब अब लेकिन जो अब वाला अब जो चुनाव आएगा ना, वो इतना हैक भी कर लेंगे उसके बावजूद भी नहीं जीत पाएंगे। इनकी ये हालत बन गई है। न्यूज सुनने को मिल रही है महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। वो बिल्कुल सही है, बैलेट पेपर से करने के ऊपर टेक्नोलॉजी देखिए क्या है। टेक्नोलॉजी के से कोई भी छेड़छाड़ किया जा सकता है क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी है, वो उसका नाम ही जब टेक्निकल चीज़ से वो बना ही है तो टेक्नोलॉजी से तो आप किसी प्रकार से छेड़छाड़ कर सकते हैं। भाई जो डेमोक्रेसी है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इस दुनिया का सबसे मजबूत देश है, मजबूत राष्ट्र है, वहाँ जब बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव होते हैं तो आप यहाँ भारत में क्यों नहीं करवा रहे? ईवीएम के थ्रू होते थे, लेकिन वहाँ पे किसी वहाँ के जनता ने जब आवाज़ उठाया तो बैलेट पेपर की मांग की, वहाँ के देश ने उसका बात माना, वहाँ पे बैलेट पेपर के थ्रू रहे चुनाव हुआ। उंगली उठा रही है बात, जब दबा दे रहे हैं लोग तो कहाँ से उंगली उठा पाएंगे, बताइए। बिल्कुल, 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने